ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रोफेसर डीपी जारौली ने किया है पदभार ग्रहण और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं जारौली। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। सरस्वती भवन पहुंचकर आशीर्वाद उन्होंने लिया है। हमारे स्कूल के अध्यापकों को अगर समय समय पर नवाचारों से हम जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। उस ओर हम वर्क करेंगे, लेकिन ये सब परीक्षाओं के बाद हम उस पर कार्य करेंगे। परीक्षाएं सफलतापूर्वक संचालित हो, बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो, किस तरह की बोर्ड ने स्ट्रेटजी अपनाई है? जहां तक मेरी अभी जानकारी है उसके हिसाब से बोर्ड ने छात्रों को सारे अपने जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन किया है और कम से कम इतने सेंटर बनाए 5000 से ऊपर 800 समथिंग, जिससे कि छात्रों को अपने स्कूल से करीब ही परीक्षा देने का अवसर मिले, छात्राओं को परेशानियां नहीं हो, ये सारे ध्यान रखा है। और फिर विगत में जो कुछ सुझाव आएंगे हम शिक्षकों से स्कूल से उनको हम बिल्कुल उसमें समावेश करेंगे। बोर्ड हर साल सीसीटीवी कैमरे के नाम पर पिछले 5 सालों में करीब 20 करोड़ रुपया बोर्ड खर्च कर चुका है। हर परीक्षा केंद्र पर, खासतौर से जो संवेदनशील या अति संवेदनशील केंद्र है उन पर बोर्ड ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन उसका रिजल्ट अगर हम देखें तो कुछ नहीं आया। रीट के नाम पर और इन परीक्षाओं के नाम पर बोर्ड सीसीटीवी कैमरे लगाता है। आरपीएससी बड़ा एग्जाम करती है ना, और वो परीक्षाएं भर्ती के लिए होती है, जबकि ये स्कूली बच्चों की परीक्षाएं हैं। इनमें कहाँ जो है सीसीटीवी कैमरों की जरूरत आ रही है और इसकी क्या उपयोगिता है? अगर इसका सुचारू रूप से कार्य हो तो उपयोगिता तो है, क्योंकि कई बार न्यायालयों में ऐसा होता है कि उसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं और कई बार बहुत ही गलत कार्य करने वाले बच निकलते हैं, इसलिए वो है। लेकिन अगर इसका आप बता रहे हैं कि इसका खर्चा वैसे हुआ तो उसको हम जरूर ध्यान रखेंगे, जो हो चुका उसका उपयोग करने का प्रयास करेंगे और जब नहीं है तो हम नया नहीं खरीदेंगे। इसी चीज़ें जब उस पर विस्तृत रूप से हम जाँच करेंगे, कमेटी बनाएंगे, उसके तत्पश्चात कोई निर्णय लेंगे। देखो ये केंद्र सरकार से भी चल रहा है, राजस्थान सरकार भी चल रहा है। मैंने अभी कार्यभार से ग्रहण किया है, मैं यहाँ की वस्तु स्थिति देख के यहाँ अधिकारी कर्मचारियों सभी से मिलकर जैसे सुझाव आएंगे शिक्षकों के उस हिसाब से कार्य करेंगे। लंबे समय से बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया कर्मचारियों का अभाव है और संविदा कर्मी काफी काम कर रहे हैं, ऐसे में आपका इस पे क्या रहेगा? देखो संविदा कर्मी राजस्थान विश्वविद्यालय में भी कर रहे हैं, ये सरकारी स्तर पे शिक्षा चिकित्सा सभी जगह कर रहे हैं और ये वास्तव में समस्या बहुत बड़ी है, पर इसके समाधान के लिए हम सरकार से पूरा अनुरोध करेंगे कि इस पर कोई कोई निर्णय हो। एक और, जहां बोर्ड सारे केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं जबकि बोर्ड परिसर जहां पर सीसीटीवी कैमरे कहीं नहीं, सारी गोपनीय कार्य यहाँ सब हो रहे हैं, सब कुछ है, इस पर क्यों ध्यान? गोपनीय कार्य पे तो नहीं, लेकिन बाकी उपस्थिति अनुपस्थिति वहाँ पर हम जरूर इसका प्रयास करेंगे कि ये हो। गोपनीय कार्य पे तो अगर सीसीटीवी लगाएंगे तो फिर उसमें कई चीज़ों की प्रो है, लेकिन उसका उपयोग फिर दिक्कत है।